नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय नॉलेज में। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, अगर सिंदूर लगाते समय आपकी नाक पर गिर जाता है तो ये शुभ संकेत होता है या अशुभ संकेत होता है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। अब चलिए बात कर लेते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके नाक पर सिंदूर लगाते समय गिर जाता है तो ये बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। अब इस संकेत के अनुसार आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घट सकती हैं ये भी समझ लीजिए। अगर आपको सिंदूर लगाते समय ऐसा महसूस होता है कि सिंदूर आपकी नाक पर अक्सर गिर जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आपके पति हैं वो दीर्घायु हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पति पर आने वाली मुसीबतें काफ़ी हद तक कम होने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप आर्थिक तंगी से जुड़ी हुई हैं, मतलब आप आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, आपके घर में गरीबी है और जिसकी वजह से आप अपने मन के शौक को जो है पूरा नहीं कर पाती हैं, तो निकट भविष्य में ये कुछ शौक जो होते हैं जैसे कि बाहर घूमना, पतिदेव से महंगा गिफ्ट मिलना या कोई ऐसी खुशखबरी सुनना जो हमारे कानों को सुकून दे, ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पति की कोई भी दुर्घटना या बीमारी आने वाली है वो लंबे समय के लिए टल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं, अगर सिंदूर हाथ से छूट कर नीचे गिर जाए तो ये शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके पति पर संकट आ सकता है। ये संकट किसी भी रूप में हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है और इसके अलावा शारीरिक भी हो सकता है। इसके अलावा कोई दुर्घटना भी घट सकती है, इसलिए कुछ अगर ऐसा कुछ संकेत आपको दिखाई दे तो इसके लिए आप पार्वती मैया को जरूर याद करिए और उनका ध्यान लगाइए। इससे आपके सुहाग पर जो आने वाली समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं।